दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सार्थक उपासना और मैं हूं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी। कहानीकार हैं डॉक्टर भोलादत्त जोशी। सार्थक उपासना वही है जिसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। पूजा उपचार वाही क्रियाएं हैं। श्रेष्ठ कर्म को उपासना मान लिया जाए तो वह उपासना सार्थक हो जाती है। एक समय की बात है जब दो लोग साथ साथ रहते थे। एक दिन गांव की पाठशाला में अध्यापन करने वाले शिक्षक ने उनके सामने दो समान पत्थर रखे गए। उनके द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार था। पहले आदमी ने अपने सामने रखे पत्थर को देखा और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। कुछ क्षण मन को रोककर आंखें बंद की और ध्यान करने लगा। पत्थर अपनी प्रकृति के अनुसार अचेत पड़ा रहा। दूसरे आदमी ने ध्यान से पत्थर को निहारा और चंद क्षण सोचकर फिर वही आंखें खोली। मन को उत्साहित किया और फिर छेनी हथौड़ी लेकर पत्थर को तराशने लगा। वह अपने काम में मगन हो गया। उसे इतनी लगन लग गई कि समय कैसे गुजर रहा था उसे कुछ पता नहीं चला। उसके अथक श्रम से कुछ दिन में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। देव प्रतिमा को देखकर लोगों के मन में कलाकार के प्रति सम्मान बढ़ गया था। मूर्ति के दर्शन के लिए जनता इकट्ठी हो गई। दर्शक जनता ने मूर्तिकार की कला को उन्मुक्त कंठ से सराहा। यह सब देखकर अध्यापक जी फूले न समा रहे थे। उन्होंने नवोदित मूर्तिकार के नेक काम की बहुत तारीफ की। जनता के बीच एक श्रद्धालु धनपति मौजूद थे जिन्होंने मूर्ति को दाम देकर खरीद लिया और अपने इलाके में मंदिर बनवाकर उसकी स्थापना की। इस तरह सड़क पर पड़ा पत्थर कलाकार के हाथ लगने से मूर्ति बनकर मंदिर में सम्मानित स्थान पर स्थापित हो गया। पहले आदमी को दिया हुआ पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहा। वह पत्थर के सामने हाथ जोड़ने और ध्यान लगाने के काम में अनवरत व्यस्त था। एक दिन अकस्मात ही दोनों आदमी रास्ते में मिले और अपने अपने आराध्य की चर्चाएं करने लगे। पहले आदमी ने अपने आराध्य की जड़ता की चर्चा की। जड़ता के कारण उसकी बातों में कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा आदमी अद्भुत उमंग का प्रदर्शन करते हुए अपनी कला से उत्पन्न प्रभाव का जिक्र कर रहा था जो उसने लोगों की आंखों में देखा था। उसी रात वे दोनों पत्थर भी परस्पर सांकेतिक संवाद करने लगे थे। एक पत्थर ने भक्त की जड़ता पर नाराजगी दिखाई और दूसरे ने सकारात्मक, रचनात्मक और क्रियाशील श्रद्धा को खुले मन से सराहा। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि इस कहानी से हमें किस शिक्षा क्या मिली। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अंधश्रद्धा से क्रियाशील श्रद्धा अधिक प्रभावोत्पादक और अधिक फलकारक होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पूजा, श्रद्धा, उपासना आदि के साथ यदि कलात्मक क्रियाशीलता को जोड़कर देखा जाए तो ढोंग ढकोसला, अंधश्रद्धा जैसे शब्द प्रयोग करने वालों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। यह सच है कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, पर मंत्र उच्चारण के साथ जिस पत्थर पर श्रद्धा अर्पित की जाती है वह पत्थर ईश्वरीय शक्ति की आभा फैलाने वाला लगने लगता है। और पत्थर को सुंदर व आकर्षक आकार दे दिया जाए तो मूर्ति के प्रति आम लोगों की श्रद्धा अधिक गहरी हो जाती है। इसलिए साहित्य और संगीत के बाद कला को इतना महत्व दिया गया है। मुझे विश्वास है दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।